और बक जो सप्लाई बनती है इन कॉयलों के पास, तो सारे कॉलम पे वोल्टेजेस नहीं बनेगा और सारे के सारे ऑन करने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरूरत क्या होती है ऑन करने के लिए हमको, लोअर एलडीओ हायर एलडीओ। और सीपीयू के लिए जो वोल्टेजेस जाते हैं 0.8 के वोल्टेजेस जाते हैं सीपीयू के लिए, उसमें क्या क्या रहेगा आपका, एपीसी का वोल्टेज, कोर का वोल्टेज, ग्राफिक के लिए वोल्टेजेस और एपीसी जीरो के लिए वोल्टेजेस, और इसके अलावा रैम के लिए कुछ वोल्टेजेस जाते हैं सीपीयू में, तो ये सारे ऑन करने के लिए चाहिए। और मॉडम का जो सप्लाई है यहीं पे बनता है नेटवर्क सेक्शन के लिए, मगर नेटवर्क सेक्शन का वोल्टेज ऑन करने के लिए जरूरी नहीं रहता है, वो सिम डालेंगे तब बनेगा वोल्टेज क्वालकॉम में। तो नेटवर्क आना वो बात की बात है, पहले तो मोबाइल ऑन होना है, तो ऑन होने के लिए वोल्टेजेस बनते हैं, और ये जो वोल्टेजेस बनते हैं यहां से बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा S4, S4 में कितना बनेगा 2.5 वोल्ट। चलिए यहां पे लिखते चले जाते हैं, एक और पेज ले लेंगे, फर्स्ट जो हमारी स्विचिंग जिसको मैं बक सप्लाई बोलते हैं या फिर कॉयल वाली सप्लाई बोलते हैं, तो फर्स्ट कौन सी बनेगी आपकी, S4 वाली सप्लाई, कितनी बनेगी 2.0 वोल्ट, यह आपका बनना है। जो पावर एसी है ये PM8953 पावर में, फर्स्ट ये बनेगी हमारी स्विचिंग सप्लाई में S4 जो कि 2.0। और अगर डायग्राम में देखेंगे तो कहां पे भाई S4, बक वाली सप्लाई में यहां पर, ये हमारी S1 है फर्स्ट कॉइल, ये S2 है, ये S3 है, और S4 के कॉइल का नंबर यहां पढ़ लीजिए 1203। अब 1203 कहां पे है, यहां पे आइए और L1203 जो है आपका ऊपर यहां पर, जो कि आप कंपोनेंट नेम में देखेंगे, यहां सबसे पहले यहां पे 2 वोल्ट बनना है आपको कॉइल में, ये कॉइलों में ऑन करने के लिए ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कितनी बनेगी, यहां लिख रहे थे अपन 2.0, तो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इसको कट ही कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर डालेंगे, इसको खींच के इधर ला लेंगे, ऐसा डाल देंगे, ठीक है, और इसमें लिख लेंगे, ऐसा आसानी हो जाएगी अपने, VS4 S4 2.0 VS4 यह बनेगा 2.0 वोल्ट। तो V को मेट देते हैं और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ये हो गया आपका सबसे पहला सप्लाई, ठीक है, सबसे पहला सप्लाई ये वाले कॉइल पे बननी चाहिए, ऊपर वाले कॉइल पे Note 4 में, बाकी हर फोन में ऐसे ही बना के रख लेना है, आपको अलग अलग पावर में अलग अलग मिलेगा, आपको कूल टेस्टिंग करनी है, हॉट टेस्टिंग करनी है, ऐसा बना लेना है। चलिए नेक्स्ट कौन सा बनेगा स्विचिंग सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं, S4 के बाद में S7 पे बनेगा 0.9 वोल्ट। अब S7 किधर है भाई हमारा, S7 का है कॉइल नंबर 1206, 1206 किधर है हमारा, यहां पर पावर एसी के राइट साइड में, 1206 में बनेगा 0.9 पावर एसी के राइट साइड में, ये वाला 1206 0.9 वोल्ट, यहां बनेगा S7 0.9 वोल्ट, इसको डाल देना है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बनेगा, चलिए आ जाएंगे, S7 के बाद में बनेगा S2 0.8 वोल्ट, VREG S2 0.8 वोल्ट, ये जो होता है हमारा VDD, यहां देखिए ये लिखा इसके नीचे, ये लिखा इसके नीचे, ये लिखा, ये पहले वाला जो हमारा S7 था VDD MX था, और ये वाला जो देख रहे हैं आप VS2, ये हमारा VDD CX, MS का मतलब होता है मेमोरी,
और सी एक्स का मतलब होता है कोर एंड ग्राफिक, ठीक है। तो नेक्स्ट बना वी आर ई जी एस टू 0.8, वी आर ई जी एस टू 0.8 वोल्ट, और ये बना सी एक्स के लिए। और हमारा कॉयल कौन सा है भाई? VS2 ऊपर है, कॉयल नंबर है 1201। 1201 किधर है? ये वाला, उसके ही ऊपर वाला, मतलब ये वाला, ये हमारा है 0.8। और ये बना था हमारा MX मतलब मेमोरी के लिए, और ये बना था हमारा CX मतलब कोर एंड ग्राफिक्स के लिए। थोड़ा और छोटा कर ले, चलिए। ये ऑन होने के लिए जरूरी है, ये नहीं बनेंगे मोबाइल ऑन नहीं होगा आपका, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट S2 के बाद में S5 और 6 दोनों साथ में रहते हैं 0.8 वोल्टेज, और ये बनते हैं आपके एपीसी एंड कोर के लिए। एपीसी का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर, एपीसी कोर के लिए 5 और 6। 5 और 6 कहां पे भाई आपके? यहां पे बने हैं 5, यहां पे बना है 5, कॉइल नंबर 1204, कॉइल नंबर 1205 दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो 1204 और 1205 यहां नीचे है, और 1205 और 4 का नंबर यहां पे भी देख लो, यहां पे 0.8 का वोल्टेज होता है, और ये होता है हमारा एपीसी, एपीसी के लिए। यहाँ पे भी देखे थे अपन ने एपीसी कोर मतलब एपीसी के लिए, ये दोनों नीचे जो है। तो इसको यहां से उठाएंगे, S5 एंड S6 यहां पे जो बनता है 0.8 वोल्ट, और ये बनता है एपीसी यानी एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए। ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये सारे बनने चाहिए। अब दो कॉइल बच गए यहां पर, देख लेते हैं इनका क्या काम है। एस का सप्लाई यहां पर और कुछ है, S3 1.2 लोअर एलडीओ, ठीक है, ये वाला जरूरी है VS3। चलिए VS3 कहां पे है हमारा? ऊपर यहां पर 1.3 का वोल्टेज बनता है, 1.2 1.3, और कॉइल नंबर है 1202। 1202 कहां पर है भाई? ये वाला, पहले वाला कॉइल। तो पहले वाला इधर ये, चल 1202 नीचे से फर्स्ट ये वाला, तो यहां पे भी डाल लेंगे। S3 का सप्लाई है और यहां पे बनेगा 1.3 वोल्ट, 1.2.2 भी बोलता है। ये होता है हमारा LLDO, और ये बनता है हमारा यहां पर, और 2.0 जो था इसको बोलते हैं अपन HLDO, हायर LDO। दिख नहीं रहा है, कलर व्हाइट ले लेंगे, येलो ही अच्छा। अब एक कॉइल बच गया आपका, ये मॉडम का हो सकता है, देख लेते हैं। अब ऑन होने के लिए उसका जरूरत नहीं है, इसीलिए इसीलिए यहां पर इसका कॉइल नंबर क्या रहेगा थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सा बच गया हमारे पास? 5, 6, 3 और 2, सिर्फ S1 नहीं आया है। तो S1 VS1 देख लेते हैं, यहां पे देख लेंगे कहीं पे S1 दिया क्या? S1 को यूज नहीं करा, ऑपरेशन खत्म हो गया, मतलब वो हमारा मॉडम का ही कॉल रहेगा जो कि नेटवर्क सेक्शन के लिए जाता है। तो यहां पर VS1 है हमारा, और यहां देखिए VS1 को हम सेलेक्ट करेंगे ऐसा, और नेक्स्ट करके देखेंगे CPU में क्या मॉडम सेक्शन में जा रहा है क्या। तो VS1 0.8 वोल्ट जो कि इस कॉइल से निकल के जा रहा है, कॉइल नंबर है L1200। L1200 किधर है भाई हमारा? ये वाला ऊपर का राइट साइड का, जो कि हम यहां पर यहां से आएंगे, यहां से देखेंगे, देखिए CPU में जा रहा है, सीधा CPU में आ गया। तो हम
अभी सीपीयू में जाकर देखेंगे कि VS1 का सप्लाई जो है सीपीयू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सीपीयू का नंबर क्या है यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इस डायग्राम में ढूंढने के लिए नहीं दे रहा। U100 डायग्राम में आएंगे और मॉडम का सप्लाई देखेंगे U100 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मॉडम के लिए सीपीयू में चेक कर लेंगे एक बार। VS1 वाली सप्लाई देखना है, ये तो हम देख चुके हैं। एपीसी का सप्लाई, मेमोरी का सप्लाई, कोर का सप्लाई, VDD, PX, VS1। ये हमारा मॉडम का सप्लाई और यहाँ पे देखिए VS1 यहाँ पे लिखा होता है, इसलिए ढूंढ के नहीं दे रहा है। तो VS1 जो है आपका यहाँ पे आता है, जो कि मॉडम के लिए होता है, और यही वो हमारा कॉयल का सप्लाई है, जो हमारा ये वाला कॉयल बना रहा था ऊपर से सेकंड वाला। तो हमारे पास जो एक कॉयल बची है ये वाला, और ये है हमारा VS1 जो कि मॉडम के लिए जाता है, S1, और यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है 0.8 वोल्ट, और ये सिम डालने के बाद बनेगा, और इसको बोलते हैं मॉडम, VDD मॉडम, मतलब नेटवर्क सेक्शन के लिए। तो इसमें थे जो वोल्टेजेस सीपीयू में जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सीपीयू में जाएंगे और लोअर एलडीओ हायर एलडीओ वापस पावर एसी में आता है, याद रखना है आप। 2.0, 1.3 पावर में वापस आ जाता है और ये बाकी के पूरे सीपीयू में जाते हैं। सीपीयू में ये मॉडम पे वोल्टेज ना भी आए तो मोबाइल ऑन हो जाएगा आपका। नेटवर्क सेक्शन की रिक्वायरमेंट हमको बाद में पड़ती है, पहले नहीं पड़ती है। जब मोबाइल ऑन होता है तब आपको नेटवर्क सेक्शन को चलाना होता है, अभी जरूरत नहीं रहती है, इसीलिए हम इसको ज्यादातर तो ये पावर एसी के बक सप्लाया है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपके ये वाले सारे के सारे। मॉडम को एक छोड़ देना है, बाकी सब पे वोल्टेजेस बनना है, कितना कितना वोल्टेज बनना है यहाँ पे लिखा दिया हूं मैं। तो ऐसा ही हर पावर में आपको कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग कर लेनी है। सब में आपको GR मिलेगा, एक साइड हमेशा IC के साथ कनेक्ट रहेगा और स्विचिंग होगी, दूसरा साइड CPU में जाएगा और वापस लाइन फिर पावर में आ जाती है फीडबैक के तौर पर। ये बक सप्लाई का एक सेक्शन है, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये डैड मोबाइल में सब में आपको चेक करना है, चाहे कोई भी हो। अब यही चीज आपका यहाँ पे भी वही सारे वोल्टेजेस बनेंगे। अब ये वाले मॉडल में आपको डायग्राम दिया ही नहीं इसका, इसलिए हम ये पावर को यहां से ओपन कर लिए, कहां से, नोट 4 में सेम पावर एसी लगा है 8953, बहुत सारे मॉडल में रहता है ये, अभी आना बंद हो गया ये PM8953। कितने मॉडल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए Redmi 5 5 प्लस, ये ओप्पो के ऐसे मॉडल मोटोरोला में है इतने सारे सारे, और भी ये आते हैं, ये इन्होंने कवर नहीं किया है। तो इतने सारे मॉडल में यही पावर मिलेगा, सब में आपको ये वाला सेक्शन जो अभी हम देखे हैं इसको बोलते हैं बक सप्लाई, जो कि पावर एसी से बनती है। इसका नंबर है U1100, डायग्राम में आना है। तो पावर एसी के अंदर ये वाला हमारा ऑडियो सेक्शन, नेक्स्ट देखे अपन कंट्रोल सेक्शन जिसमें ये वाला सेक्शन सीखे, ये GPIO सेक्शन, नेक्स्ट देखेंगे ग्राउंड का सेक्शन, और यह है हमारा बक सप्लाई जो आज सीखे आपने। इसके बाद नेक्स्ट LDO है, ये कल बताऊंगा मैं LDO आपको, ठीक है। तो ये LDO सेक्शन कल बताऊंगा। एक पावर एसी के अंदर इतने सारे LDO रहते हैं, LDO नंबर 1 से लेकर LDO नंबर 22 23, और किसी में 24 रहते हैं, किसी में 19 रहेंगे, किसी में 9 रहेंगे, किसी में 11 रहेंगे। हर पावर में LDO कम ज्यादा होते रहेंगे और हर पावर में बक सप्लाई भी कम ज्यादा होती रहेगी, ये कॉयल कम ज्यादा होते रहेंगे। 5 से मिनिमम 5 मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 10-12 भी मिल सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल्स में ज्यादा कॉयल्स मिलेंगे, वहां पर आपको ज्यादा बक सप्लाई चेक करनी होगी ऑन करने के लिए। जो LDO सप्लाई उनको कभी कभार कॉयल सप्लाई से भी बना सकते हैं। तो इसके पास जो सप्लाई, ये जो सप्लाई हम देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी सप्लाई है,
बक वोल्टेजेस है जो कि कॉयल से लेकर के बनाते हैं, इसमें लो वोल्टेज होता है और क्या रहेगा हाई एम्पियर, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज कितना बनेगा 0.5 वोल्ट टू लेकर के 2.2 वोल्ट मैक्सिमम, इतना ही बनता है इसमें। यहां देखो लास्ट 2.0 है, ठीक है, ये इतना बनता है। और ये मोबाइल को ऑन करने के रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, कंपलसरी है। और इसमें से पीएम 8953 में दो सप्लाई, दो वोल्टेज जो के पावर में रिटर्न हुए, और बाकी के 1 2 3 4 5 पांच जो वोल्टेजेस है वो कहाँ गए, सीपीयू में जाते हैं, सीपीयू को वर्क कराने के लिए, ठीक है। इसमें जो दो थे, एक का नाम था लोअर एलडीओ जो कि 1.3 का वोल्ट है, और दूसरा जो वोल्टेज है हायर एलडीओ जिसमें 2.0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब सीपीयू में जो वोल्टेजेस गए यहां पर 1 2 3 4 5, सबसे पहला है आपका गया वीआरईजी, चलिए स्विचिंग सप्लाई से बता देता हूं मैं, एस वन में गया है 0.8 वोल्ट जो कि मॉडम के लिए है। नेक्स्ट एस टू का जो वोल्टेज है 0.8 वोल्ट जो कि आपका कोर एंड ग्राफिक्स के लिए है, जिसको सीएक्स से जाना जाता है। फिर एस थ्री जो है आपका लोअर एलडीओ है, यहां पे था नीचे तो लोअर एलडीओ, एस थ्री इसमें नहीं जाता है, एस फोर भी नहीं जाता है। नेक्स्ट फाइव और सिक्स, एस फाइव और एस सिक्स, ये होता है 0.8 वोल्ट और इसको बोलेंगे एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर। इसके अलावा लास्ट एस सेवन 0.9 मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए। इतने वोल्टेजेस हम सीखे आज और ये इस पावर में है और ये हर एक पावर में मिलेंगे, चाहे क्वालकॉम हो, चाहे एमटीके हो, चाहे सैमसंग ज़ेनॉक्स हो, सब में आपको ये वोल्टेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्या होता है, दो पावर रहेंगे तो चार उधर चले जाएंगे, चार इसमें आ जाएंगे, ऐसा सिंगल पावर है तो सब कुछ इसी में बनेंगे। एमटीके में क्या होता है, ये लोअर एलडीओ को बाहर अलग से एक आईसी लगा देता है, एमटीके में मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक पावर सेक्शन हम सीखे आज, और भी बहुत कुछ सीखना है आपको। जब ये बक सेक्शन एलडीओ सेक्शन सही हो जाता है तो पावर ऐसी क्या देगी, पावर ऑन रीसेट 0.8 वोल्ट सीपीयू को देगी, फिर सीपीयू क्या करेगा पीएस होल्ड भेजेगा 0.8 वोल्ट पावर एसी को। इसके बाद हमारा एसडब्ल्यू ऑपरेशन शुरू होते हैं, ठीक है। और ये दोनों वोल्टेजेस मैं आपको यहां पे भी बताया हूं अभी नीचे, पावर ऑन रिसेट और पीएस होल्ड, और यही चीज को मैं यहां पे भी बताया हूं आपको, कंट्रोल सेक्शन में होता है हमेशा, पावर ऑन रिसेट पीएस होल्ड, याद रख लीजिए। क्लास को रिवाइज भी करा दिया हूं मैं दोनों चीज से। तो ये एक पावर सेक्शन हम सीखे, ये डेड मोबाइल में चेक करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अभी एलडीओ सेक्शन सीखेंगे, फिर डबल पावर क्वालकॉम का सीखेंगे कल, दो पावर एसी होंगे तो उसमें कैसा कैसा सेक्शन रहता है, कैसा वर्क करते हैं। इसके बाद तीन पावर है तो उसमें कैसा है, फिर एमटीके का एक पावर बताऊंगा आपको, चार पावर एसी हम सीखेंगे, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन सीखेंगे। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा आपको, सर आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, हाँ सर। ठीक है, चलो किशोर आज के लिए इतना ही, सर ठीक है सर, चलो बाय सर।